आने वाला जो पूरा वक्त है बहुत व्यस्त है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी आराम करते हैं, लेकिन पहले वाराणसी दौरा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो बता रहे हैं हम आपको कि वाराणसी वो जाएंगे, तो उसके बाद उनका विदेशी दौरा भी शुरू होगा। इसी कड़ी में वो म्यांमार के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, जहां उनके स्वागत के लिए समझ लीजिए कि अमेरिका में जैसा मैडिसन स्क्वायर था उसी तरह की तैयारी हो रही है। सिडनी में भारतीय मूल के लोग मोदी का वैसा ही भव्य स्वागत करना चाहते हैं जैसा न्यूयॉर्क में हुआ था। ये समारोह वहां पे 17 नवंबर को होगा। इसके लिए खास टीम तैयार की गई है। बाकायदा एक ट्रेन है जो मेलबर्न से लेकर सिडनी तक चलेगी, जिसमें करीब 850 लोग सवार हो सकते हैं। हिंदुस्तान में रैलियों में देखा जाता है अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं यहां पर, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। क्या तैयारी सिडनी में हो रही है, इस पर बीजेपी महासचिव राम माधव से हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की एक बार फिर जमकर तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ हैं राम माधव, बीजेपी के महासचिव। राम माधव जी, एक बार फिर अमेरिका की तर्ज पर भीड़ भाड़ जमा हो रही। ऑस्ट्रेलिया में भी भारत मूल के जो अपने इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं, NRIs है, उनमें प्रधानमंत्री जी के विजिट को लेकर काफ़ी उत्साह है। वहाँ भी सारा कम्युनिटी मिलकर, लगभग 250 भारतीय मूल के ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक बहुत बड़ा रिसेप्शन प्रधानमंत्री जी के लिए आयोजित किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार अमेरिका यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा भारतीय मूल के लोगों के एकता का एक अच्छा संदेश के रूप में कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसी प्रकार बड़ा कार्यक्रम सिडनी में भी संपन्न होगी। मेडिसिन स्क्वायर की तर्ज पर कोई जगह चुनी गई है? हाँ, वहाँ भी एक अल्फोंस एरिना करके ओलंपिक एरिना के अंदर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जो एक प्रकार से सिडनी में सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम है। लगभग 17-18 हज़ार लोगों को बैठने की वहाँ व्यवस्था है, उसके अंदर ये कार्यक्रम होने वाला है। बहुत बात हो रही थी टिकट्स मिलेंगे, तो क्या इंडियंस को टिकट्स मिलेंगे या वॉलंटरी आ रहे हैं लोग? अब वहाँ एक, जैसा मैंने कहा, लगभग 250 भारतीय लोगों के संगठन है, अलग 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 शहरों में है ऑस्ट्रेलिया में। वे सभी एक साथ आकर इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी फाउंडेशन, इसको स्थापित किए हैं, उसके तत्वावधान में कर रहे हैं। और सारा प्रवेश फ्री है, और बहुत ज़्यादा मांग तो है, पर ऑडिटोरियम का कैपेसिटी को ध्यान में रखकर लगभग 16-17 हज़ार को अंदर बैठने का अवसर रहेगा। बाकी लोगों को बाहर से देखने की भी एक इंतजाम की जा रही है, बड़े स्क्रीन के माध्यम से बाहर से भी लोगों को लाया जाएगा, क्योंकि सिडनी तो काफ़ी दूर दूर ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ। लाने जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, उत्साह इतना है कि उदाहरण के लिए मेलबर्न से मुझे जानकारी मिली कि वहाँ के जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन ही हायर किया है, जिसको उन्होंने कोई मोडी एक्सप्रेस नाम भी रखा है। इस प्रकार का उत्साह पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों में है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग अपने आप बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सिर्फ एक ही कार्यक्रम में और भी होंगे? बाकी प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिशियल कार्यक्रम होंगे वो सब होंगे। धन्यवाद राम माधव जी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।